వర్షాప్ జితేగా జితేగా బై జితేగా వర్షాప్ జితేగా అన్నం సభ జిందాబాద్ అన్నం సభ జిందాబాద్ అన్నం సభ జిందాబాద్ వర్షాప్ జిందాబాద్ వర్షాప్ జిందాబాద్ వర్షాప్ జిందాబాద్ సవతరణం జిందాబాద్ సవతరణం జిందాబాద్ వర్షాప్ జిందాబాద్ వర్షాప్ జిందాబాద్ नमस्कार दर्शक बंधु एस एम एस न्यूज को आपको स्वागत करुँ पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सरगरम प्रचार आ गोटे दिन बाकी रहा कालीर प्रचार पर निर्वाचन हम बिश्रा ग्राम पंचायत आम अच्छू बिश्रार निर्वाचन 18 तारीख धार्य कर द्वितीय चरण भोट हम तेणु ये जो ग्राम पंचायत अच्छे ग्राम पंचायत समिति सभ्यप जोरदार लड़ई होपण को पूर्वर आम कहीलु कैंडिडेट मानकर इंडिविजुअल इंटरव्यू नहीं आपन को उपस्थापन करूँ ता भितर बर्तमान जेहेतु पूरा अंतिम पर्याय को आम आसू इलेक्शन प्रचार शेष पर्याय को आसचु बर्तमान स्थिति कौन अच्छी ता देखापे आम आज आसी ग्राम पंचायत को विषय में बुला बेल आम देखीलु यठार भिड़ लगी मुझ कैमेरामैन कही मोर ठीक पछपटे जो ऑफिस चलती से ऑफिस भिड़ था लोक मान गैदरिंग अच्छी गोटे निर्वाचन महल भाई लगुच निर्वाचन भी पूरा प्रस्तुति अच्छी दिन दुई दिन पर निर्वाचन हम तेनाली बर्तमान ये ऑफिस गृह भोटर लिस्ट ठीक करा लोक मितर समर्थक मैंने एकजुट होती आ सब एकजुट होती जड़े तारानम सभा जो कथा बस चिन्ह ढाईता आज एकजुट आछे तारिक भाई हाथ अच्छी तारिक भाई कैंडिडेट से तर बहू को से ड़ा करते आगुरु कथल तारिक भाई खोलाखोली कही महल्लार लोक कहले तुमको तुम्हें जेहतु कैंडिडेट हो पार तुम्हें जहाँ को कैंडिडेट कर आम पूरा दम सपोर्ट करूँ सी घर न बाहर में पूरा समर्थन रमे आज विश्रा बुलूल तारिक भाई ना भोट अच्छी प्रतिच्छवि अच्छी से अनेक कम करता पूर्व मुझी एटी जो लोक मैंने एकजुट होते कथा आपको स्वागत करते एस एम एस न्यूज में ये जो भीड़ इकट्ठा हुआ है आप लोग बोल रहे जो जो इलेक्शन का माहौल है तारिक भाई का जो कैंडिडेट है क्यों आप उनको बोल रहे वो जीतेंगे बोल तारिक भाई हम लोग विश्रा के लिए बहुत अच्छे लड़के हैं और सोशल काम बहुत करते हैं जिसके लिए हम लोग उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उनको खड़ा होने का था मगर लेडीज़ कैंडिडेट होने की वजह अपना बहू को खड़ा किए और उनका बहू भी बहुत अच्छी है और उन लोग सोशल काम में बहुत मतलब हेल्प करते हैं इसलिए हम लोग पूरा बिश्रा के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ दूसरा भी कैंडिडेट है वो लोग भी अपना वोट मांग रहे हैं अपना हिसाब से मांग रहे हैं तो कि ये जो तारिक भाई का खाली छाप मतलब अपना जो तारिक भाई का नाम में खाली वोट होगा ना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तारिक भाई जो जीतेगा उनका कैंडिडेट वो जाके कुछ कर पाएगा? नहीं नहीं तारिक भाई का बहू जो है वो जीतने के बाद भी बहुत कुछ करेंगे और हम लोग तारिक भाई का उनका बहू का नाम से ही हम लोग वोट मांग रहे हैं। तो कितना सपोर्ट हो रहा है पब्लिक का? पूरा पब्लिक का 90% पब्लिक पूरा है जोरदार सपोर्ट है। तो आप जितना भी डोर कंपनिंग किए जहाँ भी पब्लिक जहाँ भी ये मार्केट भी आप गए तो सपोर्ट आपको मिल रहा है? हाँ पूरा वेलकम सब घर डोर टू डोर हम लोग जो विजिट किए हैं सब जगह से हम लोग का सपोर्ट है। और तारिक भाई का एक तो अलग छवि है बिश्रा में सब आदमी उसको जानते हैं और उनका सोशल काम में बहुत हाथ लगा हुआ है और बहुत हेल्प करते हैं सबको इसलिए आज हम लोग उसके साथ में सब खड़े हैं। हम लोग तो पूरा यकीन है बस छब इस बार आएगी? हाँ, इस बार पूरा 100% यकीन है बस छब जीतेगी। जैसा हम बात कर रहे हो पूरा यकीन के साथ बोल रहे हैं बस छब इस बार आएगी। हम लोग साथ और एक भाई साहब है, भाई साहब आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहसिन अख्तर है, मैं बिश्रा का रहने वाला हूँ। तो आप भी तारिक भाई का साथ जो कैंपेनिंग में जा रहे हैं उनका जो बहू खड़ी है तारानम सभा बस छाप में तो कैसा सपोर्ट रहा पब्लिक का? बिश्रा जो बहुत बड़ा एरिया है 6000 से ऊपर भी वोट है तो कहाँ कहाँ पब्लिक आपको सपोर्ट करे क्या बोल के सपोर्ट कर रहे हैं आप? हर जगह हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है इसलिए कि तारिक भाई जो जिस टाइम कोविड के वक्त में लोगों का बहुत सपोर्ट किए थे और भी सोशल वर्क में तारिक भाई का बहुत हैंड रहता है, हर किसी को हेल्प करते हैं इसीलिए आज सब एकजुट होकर लड़के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बहू को सपोर्ट कर रही है। तो कुछ कुछ जगह हम लोग जैसे घूमे बाकी कैंडिडेट लोग हैं वो लोग बोला उनका कैंडिडेट भी बाहर नहीं निकल रहे, ये नहीं वो लोग क्या करेगा, वो लोग जाके कुछ बोलेगा नहीं, ये नहीं, ये सब जो सुनने को आ रहे उसके बारे में क्या आपका कहना? ये सब गलत बात है, ये सब र्यूमर है। हम लोग कैंडिडेट को लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग खुद से कर रहे हैं, ये सब गलत र्यूमर है और कुछ नहीं। तो आपको पूरा यकीन है पूरा वोट आएगा आपको? 100% पूरा यकीन है हम लोग जीत रहे हैं। जैसा हम बात करें वो भी बोल रहा है, चलिए जो मेन आदमी है जिनका मेन कैंडिडेट है और जिनका लिए सारा इकट्ठा हुआ है भीड़ तारिक भाई का जो हम पहले भी जानते हैं वो पूरा एरिया का जाना पहचाना फेस है, छवि है, हर चीज़ में खड़ा होते हैं, उनका भी पहले हम लोग इंटरव्यू किए हैं, वो जो चीज़ बोले फिर एक बार बोलते तारिक भाई उस टाइम तो नया इलेक्शन का जब पहला चरण था अभी पूरा प्रचार लास्ट एंड में आ गया, कल एक दिन है और तो इसका बीच आप जो डेवलपमेंट हुआ इसका जो आप प्रचार किए जहाँ जहाँ घर गए मोहल्ला गए मार्केट गए कैसा आपको फील हो रहा है अभी कैसा लग रहा है?
देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और ये जो रोमर है कि मेरा कैंडिडेट नहीं है, अभी हम आप भी थे उधर, आगे आगे मेरा भी कंपनी चल रहा था, साथ में मेरे कैंडिडेट भी थी, और पूरा डोर टू डोर मेरे कैंडिडेट साथ में घूमी है, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और लोगों को उम्मीद है कि काम होगा। और लोग ये एक बहुत बड़ा रोमर ये कर रहे हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरी बहू भी जाहिल नहीं, वो भी पढ़ी लिखी है, हम लोग पूरा फैमिली ग्रेजुएट है तो काम करेंगे हम लोग। तो तारिक भाई देखिए, जैसा आपका सोशल वर्क तो है वो बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पंचायत जब राजनीति का बात आता है अभी बहुत सारा चीज़ आता है उसमें, अभी देखिए कोई पैसा भी दे रहा है, कोई भोजी भात कर रहा है, कोई अपना तरफ खींचने के लिए वोटर को बहुत सारा प्रलोभन भी दे रहा है, तो ये चीज़ में कैसा आपको वोट मिलेगा बोल के आप दावा के साथ कर सकते हैं? देखिए जो कैंडिडेट कभी काम नहीं किया रहता ना वो पैसा देता है, जो काम किया रहता है उसको पैसा देने का दरकार नहीं है, हम आगे काम किए हैं और लोगों को ये भरोसा है कि आगे भी काम करेगा, इसलिए मुझे कुछ करने का दरकार नहीं है, हम जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और जैसा सपोर्ट मिल रहा है उम्मीद है हम जीतेंगे। तो आपको हर सेक्शन से सपोर्ट मिल रहा है, खाली युवा वर्ग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हर सेक्शन से सपोर्ट मिल रहा है, हर सेक्शन का, महिलाओं का, बुजुर्ग का, सब यंग का, सबका सपोर्ट मिल रहा है। बाकी रहा बात जब हिंदू, यहाँ मुस्लिम की वोट का ज़्यादा है, बाकी हिंदू का भी वोट है, बाकी सारा क्रिश्चियन भी है, तो सारा वोट आपको मिलेगा बोल के पूरा उम्मीद के साथ आप कह सकते हैं? पूरा उम्मीद है, देखिए यहाँ पर कोई ये छोटा सा गांव है, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई फैक्टर नहीं है, लोग जानते हैं जो अच्छा है उसको वोट देंगे और सब मिल के वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ मुस्लिम का वोट मिलेगा, हमको आदिवासी, क्रिश्चियन और हिंदू सबका वोट मिलेगा। तो पूरा उम्मीद है 18 तारीख सारा वोट बस छाप में ही जाएगा? पूरा उम्मीद है कि 18 तारीख उम्मीद बस ज़्यादा से ज़्यादा वोट व्हाट्सएप में जाएगा। दर्शक जनता में कथा उतले जनते उतले दर्शक जनता में देखी थे जब बस छाप रहा जो उत्साह अच्छी तंग भीतर उद्दीपना अच्छी सामने कहूँ से कथा आ बस छाप को नहीं पूरा उन्नी अच्छा बहुत संख्यार गैदरिंग होती स्लोगान देखते एत कन्फिडेन्ट अच्छा बिश्रा पंचायत केवल बस छाप को समित सभा भोट मिल कहीं पचर तारिक भाई नाम पूरा आसूँ से जेहतु विगत दिन में अनेक सामाजिक काम करेट बहुत छिड़ा सी प्रचार में आगे अच्छा जहाँ आम देखुलू कि समय कह 18 तारीख बिरसावासी क्या भोट देवे केत संख्यार भोट दौर केत विजय कर समय कह अपेक्षा रहा 18 तारीख राउरकेलारू कैमेरामैन पायलट सहित संजीव नायक SMS News।